हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण वर्मा आप सभी का एग्जाम ट्यूटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है जियोमेट्री, और जियोमेट्री में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं समलंब चतुर्भुज। दोस्तों, समलंब चतुर्भुज के हमने कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, अभी इसकी एक दो प्रॉपर्टी और बची हैं, वो हम देख लेते हैं। क्या बोला गया है प्रॉपर्टी में? प्रॉपर्टीज में बोला गया है कि असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज एबीसीडी में, क्या बोला गया है, असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज एबीसीडी में यदि विकर्ण एसी तथा बीडी, यदि विकर्ण एसी तथा बीडी समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्या बोला है, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे दोस्तों क्या बोला गया है, असमान भुजाएं, जिसकी भुजाएं जो है असमान है, हम एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, उसकी ये भुजाएं जो है यह असमान है, कोई भी भुजा इसकी इक्वल ना हो, ठीक है। अब बोला गया है कि इसमें जब ये एंगल में यदि विकर्ण, विकर्ण की बात कर रहे हैं, मैं इसको नाम दे दूँ ए बी सी डी, विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद बिंदु पे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, समकोण बनेगा इस प्रतिच्छेद बिंदु पे 90 डिग्री। आपको इस बात पे ध्यान रखना है, ठीक है, कि प्रतिच्छेद बिंदु पर जो एंगल बनेगा जब विकर्ण एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो वहाँ जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उस बिंदु पर जो एंगल बनेंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री, मतलब समकोण होंगे। जब यहाँ समकोण होंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा, ED स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। इस केस में हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा, मतलब इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू इस वाली भुजा का स्क्वायर प्लस इस वाली भुजा का स्क्वायर, ठीक है, AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर जो किसके बराबर है, AB के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो क्या बोला गया है, दूसरी प्रॉपर्टी में भी बोला है कि चतुर्भुज एबीसीडी में समलंब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण एसी तथा बीडी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। अब देखो बिंदु ओ पर काटते हैं तो उस केस में जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ये एक समलंब बनाए, ठीक है, समलंब बनाए और एक प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, क्या हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु ये हो ए बी सी डी, विकर्ण ए सी, विकर्ण बी डी, जो इसको कहाँ कहाँ रहता है बिंदु ओ पे। तो दोस्त इस केस में हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इसको ऐसे लेके चलना है और इसको ऐसे लेके चलना है, आपको ध्यान रखना है, मतलब ए ओ मल्टीप्लायर है ओ डी, इसी प्रकार ओ बी मल्टीप्लायर है ओ बी
बिना उल्टा पर बोल दो बीओ मल्टीप्लायर है कोसी के, तो दोस्तों ये आपकी एक इक्वेशन है। ठीक है, ओ ए इंटू ओ डी बी ओ इंटू ओ सी, इसको इस तरफ ले जो है वो इक्वल होगा इस तरफ जो है उसके। ठीक है, तो ए ओ इंटू ओ डी इक्वल टू बी ओ इंटू ओ सी, इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हिसाब से है क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है, दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे, तो हम क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। एबीसीडी एक ऐसा समलंब चतुर्भुज है, क्या है, ए बी सी डी एक ऐसा समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर सी डी, इसमें क्या होता है AB बराबर CD तथा ED पैरेलल है BC, तथा ED पैरेलल है BC और AD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 9 सेंटीमीटर और AD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 9 सेंटीमीटर, तदनुसार यदि एबीसीडी का एरिया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो तथा एबीसीडी का एरिया हमको दिया है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सीडी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखो हम एक समलंब चतुर्भुज बनाते, पहले समलंब चतुर्भुज में क्या बोला है दोस्तों, ए बी बराबर है सी डी। दोस्तों मैं ए बी यहाँ तो नहीं दे सकता क्योंकि सी डी यहाँ आएगा, तो मैं ए बी सी डी मतलब ए बी का जो वैल्यू है वो सी डी की इक्वल है। ठीक है, और क्या बोला गया है, ए डी मेरा 5 है, बी सी मेरा कितना है टोटल 9, और इसका पूरा एरिया कितना है दोस्तों 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया चतुर्भुज ए बी सी डी का। अब मुझे क्या निकालना दोस्तों, सी डी की वैल्यू बोल दो या ए बी की वैल्यू, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इस केस में मैं फॉर्मूला लगाऊं, अगर मैं इसको बोल दूं समलंब चतुर्भुज में ये हाइट, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है दोस्तों, एरिया होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, 5 को मैं ए बोल लूँ 9 को मैं बी बोल लूँ, तो कितना हो गया एरिया 1/2, एरिया मेरा है 35, 5 प्लस 9 गुणे एच, तो 35 बराबर 5 9 14/2 गुणे एच, 2 से 14 को काटूंगा 7 बार और 7 से अगर 35 को काटूंगा तो तब मैंने 35 को 5 बार, एच का वैल्यू मेरे को मिल गया है यहाँ पर मुझे 5 सेंटीमीटर, एच मेरा यहाँ कितना आ गया दोस्तों 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे देखना है कि इस हाइट पे मैंने यहाँ गिराया और इस हाइट पे भी मैंने, अगर मैं इसको यहाँ से गिराऊँ इस बिंदु से, ए बिंदु से नीचे एक हाइट आई, बी से एक हाइट आई, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गई, जब ए वैल्यू मेरी 5 होगी तो इतनी वैल्यू मेरी भी कितनी होगी दोस्तों 5 होगी, क्योंकि दोस्तों मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए मुझे ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए यहाँ पे। अगर मैं इस पॉइंट को बी दे दूँ, सॉरी ई पॉइंट दे दूँ और इस पॉइंट को मैं एफ दे दूँ, तो यहाँ पे एक चतुर्भुज बन गया। ठीक है, एक चतुर्भुज बन गया यहाँ पे, यहाँ पे भी एक चतुर्भुज बन जाएगा। मुझे इसका वैल्यू तो पता चल गया कि ये जो ई से एफ का वैल्यू मेरा टोटल 9 है, तो ई से एफ का वैल्यू कितना हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब मुझे इतना वैल्यू और इतना वैल्यू पता करना है, मतलब टोटल बचा वैल्यू कितना मेरा 4 है, इतना 5 हो गया, तो इधर जो इस तरफ का वैल्यू इस तरफ का वैल्यू मिला के हो गया 4। तो सीधा अगर निकालूं मैं, या मैं यहाँ बोल लूँ बी बराबर सी एफ बराबर बी माइनस ए बाई 2, मतलब 9 माइनस 5 बटे 2, मतलब कितना हो गया 4 बटे 2, मतलब 2 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब बी का वैल्यू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, सी एफ का वैल्यू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मुझे हाइट पता चल गया, बेस पता चल गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है कर्ण, हाइपोटेनियस। तो इसके लिए मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो मैं इस तरफ भी लगा लेता हूँ जो निकालना मेरे को। सी डी का स्क्वायर बराबर डी एफ का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर, ठीक है। सी डी मेरे को फाइंड करना है, मुझे डी एफ का वैल्यू मेरे पास कितना निकला दोस्तों, यहाँ पे एच मतलब 5 का स्क्वायर, सी एफ का वैल्यू कितना दिया है 2 का स्क्वायर, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 2 का वर्ग हो गया 4, मतलब हो गया 29। तो दोस्तों सी डी कितना हो गया अंडर रूट 29 सेंटीमीटर। ये आपका समलंब चतुर्भुज का एरिया यहाँ से फाइंड हो गया, एरिया तो आपको दिया था, तो यहाँ से हमको सी डी की भुजा मिल गई, जो सी डी की भुजा होगी वही ए बी की होगी। तो सी डी कितना है अंडर रूट 29 सेंटीमीटर, तो ए बी भी कितना होगा अंडर रूट 29 सेंटीमीटर, ठीक है। दोस्तों हमारा समलंब चतुर्भुज खत्म हुआ, अब हम थोड़ा सा आयत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आयत की जो प्रॉपर्टियां हैं, आयत रेक्टेंगल की, तो ज्यादा नहीं है, दो प्रॉपर्टियां हैं, 3 प्रॉपर्टी, उसको ध्यान देते हैं। क्या बोला है आयत में, पहले पहली प्रॉपर्टी पे बोला है आयत, ये आयत बनाओ, आयत बनाए, पहला प्रॉपर्टी में आयत बना, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। अगर ये मेरा बी है तो ये मेरा एच है, अगर मैं इसको ए बोल दूँ तो इसको बी बोल देता हूँ, जब ए वाली वैल्यू मेरी ए है तो ए वाली वैल्यू ए होगी और ये बी होगी। जब मैं इसको पॉइंट दे दूँ ए बी सी डी और बोलूँ आयत के विकर्ण एक दूसरे को किसी बिंदु ओ पर काटते हैं, ठीक है, आयत के विकर्ण किसी बिंदु को ऊपर काटते हैं, तो मैं क्या बोल दूंगा दोस्तों, ओ से मेरी जो वैल्यू होगी वो देखो, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी होगी, मतलब जो बिंदु होता है, जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटता है। आयत में अगर सीधा सीधा बोल दूं तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा ओ दोनों विकर्णों का, वो जो विकर्ण होंगे उनको बराबर बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। मतलब विकर्ण का आधा होता है। अगर AC का वैल्यू कितना हो गया, अगर मुझे AO का वैल्यू निकालना है तो AC बटे 2 आधा हो गया, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी बोलता हूँ मैं क्या, कि कोई आयत है, आयत के मध्य बिंदु की बात करूं, आयत के मध्य बिंदु आयत ए बी सी डी, आयत का जो मध्य बिंदु है, आयत की मध्य बिंदु को अगर मैं आपस में मिलाऊं, आपस में मिलाने से मुझे जो आकृति प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, ई एफ जी एच। अगर मैं बोलूं कि ए बी सी डी जो है क्या है, आयत है, और ई एफ जी एच जो उसके मध्य बिंदु है ई एफ जी, है ना, ई कॉमा जी कॉमा एच कॉमा एच जो है इसके मध्य बिंदु है, तो क्या बोला गया है, तो चतुर्भुज ई एफ जी एच क्या होगा दोस्तों, तो आयत में जो चतुर्भुज बनेगा वो क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। अंदर ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये पैरेललोग्राम होगा,
और अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं आगे, अगर मैं कहूं कि अगली प्रॉपर्टी में देखिए कैसा क्या है, अगली प्रॉपर्टी में बोलूं कि एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, जहां एंगल बनेगा उसके बाइसेक्टर से बनने वाली जो आकृति होगी, जैसे यहाँ पे एक एंगल है 90, यहाँ एंगल 90, यहाँ भी एंगल 90 बनेगा, यहाँ भी एंगल 90 बनेगा, इसका एंगल बाइसेक्टर ये गया, इसका एंगल बाइसेक्टर ये गया, इसका एंगल बाइसेक्टर ये गया, और इसका एंगल बाइसेक्टर ये गया, ठीक है, ये बन गया, यहाँ 90, यहाँ 90। मैं इसको पॉइंट पहले दे दूँ EFGH। तो दोस्तों एंगल बाइसेक्टर के द्वारा जो यहाँ अंदर आकृति बनेगी वो क्या होगी, वो एक वर्ग होगी, मतलब मैं बोल दूँ कि ABCD जो है आयत है, तो एंगल बाइसेक्टर के कारण EFGH क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक है, वर्ग होगा, मतलब इसकी भुजा भी ए होगी तो इसकी भी ए होगी, ये तो मैं नीचे डिनोट कर दिया, अगर मैं इसको कोई भी एक्स भुजा दे दूं तो ये भी भुजा एक्स होगी, ये भी भुजा एक्स, ये भी, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, तो ये जो अंदर आकृति बनेगी वो वर्ग बनेगी। एक प्रॉपर्टी और है इसकी, आयत के देख लेते हैं क्या है वो, अगर बोला जाए अगली प्रॉपर्टी में, अगर बोला जाए कि आयत के अंदर कोई एक बिंदु है, कहीं भी हो सकता वो बिंदु, अगर वो बिंदु मान लो यहाँ है, तो इस बिंदु को मैं ओ दे दिया, उस बिंदु से मैं इन सभी को मिला दें, ठीक है, तो दोस्तों यहां पे क्या होता है इस केस में, इस केस में बनेगा, इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। वो जो है आयत में कोई बिंदु है, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है, वो जो है क्या है, वो बिंदु आयत का कोई एक बिंदु है, मतलब वो कहीं बिंदु कहीं भी हो सकता है, जब वो बिंदु कहीं भी हो सकता है तो इस केस में ये वाली इक्वेशन बनेगी, आप इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा समलंब चतुर्भुज का टॉपिक जो है खत्म हो गया, कल हम बात करेंगे सम चतुर्भुज की, ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।